स्मार्ट सिटी के तहत बने राज नारायण पार्क की छवि धूमिल करने का हो रहा प्रयास। सुंदरीकरण के बाद से लगता है लोगों का जमावड़ा। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी पूरे विश्व में विख्यात है। विश्वनाथ धाम बनने के बाद से जहां पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है, तो वहीं शहर में हुए स्मार्ट सिटी के तहत विकास भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटक भी इसका लुत्फ उठाते हैं। ऐसे में बात की जाए शहर के हृदय स्थली गुदौलिया के ठीक बगल में बेनिया बाग राज नारायण पार्क की, तो स्मार्ट सिटी के तहत बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जहां बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने झूले लगे हैं। इसके साथ ही खाने पीने के भी कई स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ प्रवेश शुल्क मात्र 10 रुपए रखा गया है, जहाँ शाम होते ही काफी संख्या में लोग हरे भरे वातावरण में घूमने टहलने पहुँचते हैं। कुछ साल पहले बेनिया बाग राज नारायण पार्क की दशा बेहद दयनीय थी, इसे प्रधानमंत्री ने संज्ञान में लेते हुए स्मार्ट सिटी के तहत इसका सुंदरीकरण कराया। वहीं इन दिनों इसकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसके आसपास गंदगी का अंबार है और पार्क दुर्व्यवस्थाओं का शिकार है, लेकिन हकीकत में इसका कोई लेना देना नहीं है। पार्क में रोज काफी संख्या में लोगों की भीड़ होती है, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लोग यहां अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं और झूलों और खाने पीने की वस्तुओं का आनंद लेते हैं। चर्चा का विषय तो ये रहेगा ही, क्योंकि जो काफी जनता को मिला है यहां पे स्मार्ट सिटी, और स्मार्ट सिटी राज नारायण पार्क बेनिया बाग जो बना है, ये आपको भी पता है, जब मैं छोटा था उसमें 20 साल पहले बेनिया बाग क्या था मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप लोग को पता भी होगा कि 20 साल पहले बेनिया बाग दशहरियों का अड्डा था और कुछ नहीं था। उसके बाद माननीय सांसद जी महोदय प्रधानमंत्री जी ने इसको ऐसा बना दिया है कि आप कहीं भी हर चैनलों में हर चीजों देखते हैं। ये जनता जितने आए हैं, ये मेरे बुलाए हुए कार्यकर्ता नहीं है कि मैंने पैसा दिया, इन्होंने 10 रुपया खुद मेंटेनेंस चार्ज दिया है और खुद आया है और ये स्मार्ट सिटी का लुत्फ उठा रहे हैं, खा रहे हैं, अपना घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। पैसा लेकर के भी कई नाजायज पत्रकार है जो आपको मतलब, देखिए कुछ लोग को आग की किरकिरी होती है, जानते हैं, ये कोई भी हो, ये स्मार्ट सिटी बना है, कुछ लोग इसमें राजनीति भी जुड़ सकते हैं, जुड़ के पत्रकार कुछ दलाल टाइप के हैं जिनको हम बोल नहीं सकते, नाम ले नहीं सकते हैं, उन लोगों के जरिए गलत इस टाइप का भाषण निकालना कि ये स्मार्ट सिटी है, ये पत्थर टूटे, ये हमको ये बताइए आपके घर का ये पत्थर है या पेंट है, आप नहीं कराते हैं 4 साल 5 साल में मेंटेनेंस? ये 2 साल स्मार्ट सिटी बने हुए जितने भी चीजें हैं यहाँ पे वर्किंग पब्लिक को कितना पहले दिया था, देखिए माननीय कमिश्नर महोदय ने अभी दिया है कैशलेस बोतल, बोतल आप डालिए उसमें, वो मशीनें वहां भेजे हैं उन्होंने, ऐसी बातें नहीं है। इसको बनाने कुछ लोग की मंशा है कि इसको खराब करने का सोचते रहते हैं ताकि इससे मैसेज गलत जाए सरकार का, और ऐसा मंशा उनका विफल होगा। सर हम क्या चाहते हैं, आप खुद दे सकते हैं लाइव, ये तो बनाया हुआ है नहीं, पब्लिक यहाँ आती है, खुशियां मनाती है, घूमते हैं, फिरते हैं, बर्थडे तक मनाते हैं। कार्रवाई के वो थक जाएंगे खुद ही करते करते, ये कोई ये बियर बार तो है नहीं मेरा, ये गार्डन है, गार्डन में आप 10 रुपया मेंटेनेंस चार्ज दे रहे आ रहे हैं, उससे पब्लिक का 10 रुपया जो मिलता है उससे मेंटेनेंस रखा जाता है और गवर्नमेंट का शुल्क दिया जाता है। जी क्या क्या सुविधाएं हैं आपके पास? आप देख सकते हैं गेट से घुसेंगे आप अंदर आएंगे, बच्चों का खाने का है, बच्चों घूमने का ट्रेन है, मिक्की माउस है, झूले वगैरह हैं, घुमा के आप देख सकते हैं पूरी तरह से, गार्डन वगैरह, वाटर बोट है, पूरी तरह सुरक्षित है। अब देखिए कुछ लोग मनसा रहता है, ऐसा भी तो नहीं हो सकता भाई साहब कि अगर 1000 जनता इसमें आ रही है तो 1000 प्रति जनता के पीछे एक गार्ड लगाया जाए, ऐसा कहीं है दुनिया में तो हमको बताइए आप? और ऐसा कुछ है, कुछ लोग मनसा है जैसे जाते हैं टॉयलेट वगैरह, कभी नल तोड़ेंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो चीज, कभी कुर्सी है डैमेज करते, तो हर उंगली एक बराबर भगवान ने नहीं बनाया है। आप समझ सकते हैं, मैंने कहा ना भगवान ने सब उंगली एक बराबर नहीं, जैसे हमारे भाई लोग हैं पीछे आपके खड़े हैं आगे खड़े हुआ, सब अच्छे हैं, जो समझदार है वो समझते हैं कि अपना साथ निभाना है पार्क को, पार्क को अपना समझना है, सफाई अपने से भी रखना है, कुछ इनका भी फर्ज बनता है, और तोड़ने का पब्लिक पैलेस को जो बनाया है गवर्नमेंट ने उसको सही सुरक्षित रखने का इनका भी अधिकार है, ये लोग भी इसको सही से रखते हैं। और मैं खुद यहाँ गार्ड स्टाफ वगैरह खुद लगाया हूँ, डे नाइट गार्ड रहते हैं, पूरा देख रेख करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, एक दो बच्चे आ जाते हैं शरारती कभी कभी कि डैमेज करने लगते हैं कुछ सामानों को, लेकिन उसको हम लोग सुन के निकाल देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोगों मंशा रहता है कि स्मार्ट सिटी गवर्नमेंट की चीजों को खूबियों को बदनाम करने का, कोई बात नहीं, ये नहीं एकदम आपको लगता है तो आप देख सकते हैं, एकदम आप बिना हुए आप समझ सकते हैं। आप अपने घर में अगर सफाई 5 लोग रहते हैं, गंदगी होती है,
तो दूसरे दिन बुलाते हैं पोछा लगाने वाले को, यहाँ हजारों लोग रोज आ रहे हैं, तो अब तक तो एक तालाब हो जाता गंदगी का, यहाँ कैसे साफ नहीं है यहाँ लग रहा है आपको? पूछे यहाँ पे हजार लोग आ रहे हैं, 2000 लोग आ रहे हैं, पब्लिक चल रहे हैं डे नाइट, 2 टाइम 3 टाइम इसमें सफाइयाँ होती हैं, ऐसी कोई बातें नहीं है। उसमें कुछ लोग आते हैं जो गलत रहते हैं, एक दो आ जाते हैं, किसी माथे पे लिखा नहीं है, वो पब्लिक आके कुछ डैमेज करता है, उनका मनसा रहता है, वो किसी पार्टी से मिले रहते हैं, लगता है सरकार की खूबियों को बदनाम करना है, इसीलिए वो इस तरह का हरकत करते हैं।